फॉर्म पार्ट के बारे में। डेटा सेंडिंग मेथड आज का हमारा टॉपिक है। हम आपको समझाएंगे कि आप डेटा एंट्री अगर करते हैं एक्सेल में तो डेटा एंट्री में आप फॉर्म मेथड को कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के पास अगर प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास दो शीट है, एक डेटा शीट है, दूसरा फॉर्म का शीट है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है और ये हमारा डेटा है। तो बेसिकली क्या है ना कि आप जब डेटा एंट्री करते हैं तो मान लीजिए मुझे डेटा एंट्री करना होता है तो यहाँ पे एक हमारे पास एक आईडी होता था जो कि ऑटोमेट जनरेटर होता है, दूसरा डेट होता है, तीसरा टाइम होता है, उसके बाद मैं यहां पे नेम, सिटी और अमाउंट और बाकी और भी चीजें हो सकती है। तो मैं फिलहाल एक छोटा सा फॉर्म बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप लोगों को मेरी स्क्रीन बराबर दिख रही है ना? तो मैं नॉर्मली यहाँ पे एक एक करके एंट्री हम कर सकते थे, लेकिन हम एक एक करके एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज जो मुझे खुद करना पड़ेगा, बहुत सारे वैलिडेशंस वगैरह भी हमें लगानी है, इसलिए ये चीजें हम कर रहे हैं दूसरे शीट से। मैं यहाँ दूसरे शीट पे एक फॉर्म टाइप का बना रहा हूं कि नेम, सिटी और मार्क्स, और मैं इस पे एंटर करूंगा और बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो बटन पे क्लिक करते ही क्या होना चाहिए कि हमारा बटन पे क्लिक करते ही मेरी डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो दोबारा एंट्री करूंगा तो उसके नीचे स्टोर होगा, उसके नीचे स्टोर होगा, उसके नीचे स्टोर होगा। हालांकि ये चीजें अब मान लो जनरली अगर करने जाओ तो हमारे पास एक्सेल में फॉर्म होता है, उससे भी आप कर सकते हो। अगर आप एक्सेल के एक्सेल ऑप्शन में जाएं और इसकी यहां पे कस्टमाइज रिबन में जाएं तो यहां पे नॉट, यहां पे ऑल कमांड पे आएंगे और यहां पे फॉर्म सर्च करेंगे। और फॉर्म को आप अपने हिसाब से कहीं जगह कर दीजिए, जैसे कि मैं इंसर्ट के या फिर कोई ऐसा मेनू बार है उसमें डाल सकते हो। तो मैं यहाँ एडिट में डाल देता हूँ, नहीं एडिट फुल है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ, होम मेनू बार में एक नया ग्रुप बनाता हूँ और उस नए ग्रुप में इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो होम मेनू बार में आप देखेंगे यहाँ एक आ गया ना फॉर्म, मैं इस फॉर्म पे एंट्री करूंगा, ठीक है। देखा आपको आईडी, डेट, टाइम, नेम, सिटी। जैसे मैं आईडी वन किया, डेट में मान लीजिए हम यहाँ पे अठारह कर देता हूँ, टाइम मान लीजिए मैं 12 बजे कर देता हूँ और नेम पूजा और सिटी में दिल्ली और अमाउंट यहां पे कर देता हूं। और जैसे मैं यहां न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री यहां पे हो जाएगी। अब अगली एंट्री जब मैं यहां करूंगा, यहां देखिए अगली एंट्री जब करूंगा यहां पे कविता, कविता और मान लीजिए मैं यहाँ पे पुणे और माउंट वापस न्यू एंट्री पे करेंगे तो उसकी नेक्स्ट एंट्री उसके नीचे कर देता है। तो हालांकि ए जो है ये एक्सेल का पार्ट है, समझे, लेकिन
ये हमारे परफेक्ट नहीं, क्योंकि मुझे इसमें डेट एंड टाइम और ये सब डालना पड़ता है। मैं ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ जब टाइम एंट्री हो तो, और बहुत सारी चीजें और भी करना जो कि इस मेथड पे नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, और ये फीचर्स के लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे डेवलपर टाइप के अंदर विजुअल बेसिक में, और यहां पे इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स, और सब्जेक्ट करते हैं सब सेंड नाम का एक माइक्रो बना देता हूं, और इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। एक से होल्ड कीजिएगा। हेलो, आपने वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, वहीं से आप बाय कर सकते हैं। iptindia.com मैं मैसेज कर देता हूँ इसी नंबर पर। सब चीज वहीं पे, सब चीज वहां पे मिल जाएगा, आप देखिए ना एक बार, फिर दिक्कत होगा तो फोन कीजिएगा। नहीं, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे देखिएगा, आपको सब चीज मिल जाएगा, और जो डिटेल हो, जो दिक्कत होगी तो फोन कर लीजिएगा। नहीं, डीवीडी मिलती है, पेन ड्राइव नहीं मिलता। डीवीडी ले सकते हैं या फिर डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमने कोड दिया कि सीट डेटा रेंज, डेटा सीट पे जाओ, रेंज 65,000 ए 65,000 से ऊपर की तरफ सबसे लास्ट में जाओ, और जहां कर्सर रुके वहां ऑफसेट को बोला कि 1 रो नीचे लाओ, और उसकी वैल्यू आईडी, आईडी कौन सा है कि वो डेटा सीट के रेंज कॉलन ए के जो भी मैक्सिमम नंबर है उसमें +1 कर देगा। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 है, तो यहां पे 3 लिख देगा सबसे नीचे आके। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करूंगा, बाकी सब सेम होगा। यहां पे 0 और यहां पे comma 1 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पे तो 3 डल जाएगा, जब ए नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब कि दूसरी तीसरी लाइन जो आपकी है कि ये डेटा रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलस अप, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो कर्सर यहां ही होगा। अब मुझे नीचे नहीं लाना है, मुझे इसकी अगली सेल में लाना है, तो अगली सेल मतलब कि कॉलन बदलना है। इसलिए हमने रो को 0 के बोला कि भाई रो कुछ चेंज नहीं करना है, उसी रो की अगली कॉलन में जाना है, तो हमने लिख दिया 1, और बोला कि इसमें क्या डालना है, तो इसमें डालना है डेट। अब डेट क्यों? जैसे एक्सेल के अंदर में आप जो है टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं कि इक्वल टुडे, तो टुडे क्या करता है कि करेंट सिस्टम डेट डाल देता है। जब भी डालोगे करेंट सिस्टम डेट डाल देगा, तो ये डेट भी सेम काम करेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये चेंजेबल है, कि मैं कल अगर खोलूंगा तो 12:13 बन जाएगा, लेकिन जब ये यहां टाइप कर देगा हमारा ये कोड, तो हमेशा 12 ही रहेगा, 13 नहीं होगा। जब दोबारा टाइप करेंगे तब वो 13 टाइप करेगा। अब इसी को एक बार और कॉपी करते हैं और नीचे की तरफ हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट किया और यहां पे 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब यहां पे चाहिए डेट, तो डेट में मैंने लिखा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में दिया नाउ।
नाउ क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि वीवीए को या एक्सेल को बताता है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। मतलब कि अगर मैं यहां पे इक्वल नाउ का फॉर्मूला लगाया तो डेट एंड टाइम दोनों बताएगा, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ टाइम चाहिए। तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगा के हमने बोला कि भाई इसमें से HH मतलब कि आवर, MM मिनट और SS सेकेंड दे दो। तो टेक्स्ट फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वीवीए में इसी चीज के लिए एक अपना फॉर्मूला है फॉर्मेट का जो कि हमने लगा दिया। ठीक है, जो फॉर्मूला टेक्स्ट पे वर्क करता है वही फॉर्मूला हमारा फॉर्मेट करता है सेम का। उसके बाद एक बार और कॉपी करता हूं, यहां पे टू के जगह थ्री हो जाएगा, थ्री। और मैंने इक्वल टू बोला कौन सा, कि फॉर्म में से नेम ए बी थ्री की वैल्यू डाल दो। तो हमने बोला कि रेंज बी थ्री। अब आप एक सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे जस्ट बी थ्री क्यों किया, हम यहां पे शीट का रेफरेंस क्यों नहीं दिए, यहां पे शीट डेटा डाले हुए। तो बेसिकली जब ये माइक्रो रन होगा तो हमारा सीट जो है वो सीट फॉर्म सीट ही एक्टिवेट होगा, और जो फॉर्म सीट एक्टिवेट है, जिस सीट एक्टिवेट है उसका सीट नेम देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डेटा सीट एक्टिवेट नहीं होती है इसे देने की जरूरत है। अब यहीं पे इसी को आगे की तरफ हम कॉपी करते हैं, पेस्ट। सिटी के लिए फोर, बी सिक्स है सिटी पे, और यहां पे फाइव अमाउंट के लिए बी नाइन है। अब जब कमांड होगा, अब यहां पे अब ये थी ए माइक्रो, ये जो सेंड का माइक्रो है इसको रन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बटन बनाना होगा। तो डेवलपर टैब आपके इसके अंदर में, डेवलपर टैब के अंदर में इंसर्ट में जाएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा बटन, और इस बटन को आप यहीं से ड्रैग कर लें, और हमने सेंड को क्लिक किया एंड ओके कर दिया, और यहां पे हम दे देते हैं सेव या सेंड जैसा चाहते हो ऐसा। ठीक है, और मैं अब जैसे कि यहां पे लिखता हूं, मैं मान लीजिए कि एक डेटा एंट्री करके देखता हूं कि नीतू, और यहां पे मैंने दे दिया यहां पे सिटी में जयपुर, और यहां पे अमाउंट यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं। जैसे मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे डेटा एंट्री हमारा हो गया। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि डेटा एंट्री हुआ तो कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, और दूसरी एंट्री करने के लिए फिर इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि मुझे कंफर्मेशन दे कि हाँ योर डेटा हैव बीन सेव्ड, और उसके बाद ये वापस ब्लैंक हो जाए ताकि मुझे डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, पहली चीज। तो कंफर्मेशन के लिए हमें मैसेज बॉक्स यहां देना होगा कि MSG बॉक्स। अब यहां पे कि योर डेटा हैव बीन सेव्ड। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि एक कैसे पता चलेगा कि कंफर्मेशन मैसेज देगा तो माने कि डेटा सेव ही होके देगा, बिकॉज वीवीए प्रोग्रामिंग जो है वन बाई वन लाइन बाई लाइन कोडिंग चलती है, कि अगर कोई लाइन में प्रॉब्लम हुई या कोई लाइन के इवेंट नहीं वर्क किया तो माइक्रो मेरा वहीं पे रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। मतलब कि सबसे पहले इस लाइन को फॉलो करेगा, उसके बाद इस लाइन को फॉलो करेगा, फिर इसकी लाइन इसको फॉलो करेगा, वन बाई वन करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर कहीं यहां पे दिक्कत हुआ तो यहीं पे रुक जाएगा, आगे का परफॉर्मेंस नहीं देगा, मतलब आगे परफॉर्मेंस नहीं देगा तो आपका मैसेज भी नहीं देगा, तो यहां पे एरर या जो भी उसका है वीवीए का कंपोनेंट होगा वो शो करेगा। दूसरी चीज कि ये सारा क्लियर भी होना चाहिए। तो मैं यहां पे आपको याद हुआ कि मैंने आपको मल्टी सेल सिलेक्शन के लिए बताया था कि हम यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कि बी थ्री कॉमा बी सिक्स कॉमा बी नाइन इस तरह से कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं, और यहां पे क्लियर मत कीजिएगा, क्लियर
क्लियर कंटेन कीजिएगा, क्लियर कर देते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूं और ओके करूं, देखिए तो डेटा की एंट्री भी हो गई हमारी और हमारा ब्लैंक भी हो गया। दूसरा चीज कि जो है टाइपिंग करते में दिक्कत होता है कि हम एंटर मार देते तो कर्सर नीचे या साइड में जाता है। अब मुझे यहां पे ये भी करना है कि मैं इन तीनों के अलावा कहीं और सिलेक्शन ना कर सकूं, तो कंट्रोल प्रेस करके हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पे दिख रहा है सिलेक्ट ब्लॉक्स, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा और कि मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, इसकी फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद इसकी प्रोटेक्शन पे जाके इसकी लॉक को अनचेक कर दूंगा। तो लॉक सेल को हमने क्या किया, अनचेक कर दिया। उसके बाद हम ओके करेंगे और फिर पासवर्ड डालते समय प्रोटेक्ट शीट करते समय यहां से लॉक्ड को अनचेक कर दे, मतलब सिलेक्ट अनलॉक सेल के कर दे। ठीक है, और पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए। अब क्या होगा कि अब जो है मान लीजिए मैं यहां पे लिखा ओम, सिटी में यहां दे दिया पुणे, ठीक है। अब देखिए देख रहे हैं अभी डायरेक्ट यही पे कर्सर जा रहा है कि और नहीं जा रहा है। तो आनंद जोशी जी, अविनाश जी, पिनाक जी एंड सरफराज जी, कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर, एनीथिंग डाउट? सर इसका ये फॉर्म मैक्रो में भी बना सकते हैं क्या? क्या मैक्रो मतलब वो पॉपअप में मतलब जो फॉर्म आपने दिखाया था ना, उसका यूज, हाँ यूजर फॉर्म के वो जरिए बना मैक्रो में सकते भी हैं, बन सकता है क्या? यूजर फॉर्म के जरिए बना अच्छा सकते अच्छा हैं। अच्छा ओके सर। तो आगे बताऊंगा सर मैं आपको। अब इसमें नेक्स्ट आता है कंडीशन, कंडीशन कि सबसे पहले हम यहां डालना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि भाई हमसे पूछे, मतलब मैं कोई एरर, मैं मान जाता हूं कि इन तीनों में से कोई भी ब्लैंक सेल ना हो, जैसे हम सबमिट सबमिट करते हैं फिर भी आता है एवरी सेल, मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर तीनों में से कोई एक ब्लैंक हो तो शो ना करे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं। अब यहां पे
कंडीशन होगा ऊपर में देंगे सबसे कंडीशन, क्यों? फिर लाइन लाइन चलता है, अगर मैं नीचे कंडीशन दे दिया तो ऊपर चल के फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, हमें यहाँ कंडीशन दे। तो मैं चाहता हूं जब मैं फॉर्म से बटन में क्लिक करूं तो अगर इन तीनों सेल के अंदर में अगर वैल्यू हमारा ब्लैंक है तो एरर दे, अदरवाइज अगला जो चल रहा है उसको चलने दे। तो यहां पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ मी डॉट मी नहीं, माफ कीजिएगा, यहां होगा रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, तीन कंडीशन है तो मैं और लगाना पड़ेगा। अनुज जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। और यहां पे और अगेन दिया हमने रेंज बी सिक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, और फिर और देता हूं रेंज बी नाइन डॉट वैल्यू, देन मैसेज शो एमएसजी बॉक्स मैसेज शो कि प्लीज फिल एवरी फील्ड। और यहां पे एग्जिट सब करना ना भूले, क्योंकि एग्जिट सब करने से ही मैक्रो रुकेगा, अदरवाइज नहीं तो नीचे चलता जाएगा। तो हमने कंडीशन दिया कि ए अगर तीनों में से कोई ब्लैंक हो, तो इसके लिए और क्यों लगा कि हो सकता है कि दो ही ब्लैंक हो सकता है कि एक ही ब्लैंक हो सकता है कि तीनों ब्लैंक हो। तो यहां पे हमने और कंडीशन दिया कि बी थ्री बी सिक्स एंड बी नाइन, कैसे? इस तरह से, जैसे आप एक्सेल में इफ लगाते हो, यहां भी इफ लगता है, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इफ के साथ यहाँ कंडीशन देना होता है, लेकिन कंडीशंस आपके पास कई सारे हो तो फिर उसमें एंड या और लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ, मेरे पास तीन कंडीशन थे कि बी थ्री की वैल्यू इक्वल टू जीरो, बी सिक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो, और बी नाइन की वैल्यू माफ कीजिएगा, इसको भी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ना, जीरो। अगर ऐसा हुआ तो मैसेज दे कि प्लीज फिल एवरी फील्ड, और यहीं पे सब्जेक्ट को मतलब इस मैक्रो को खत्म कर दे, स्टॉप कर दे, इससे आगे बढ़ने ना दे, ठीक है अविनाश जी? समझ आया? यस यस सर, समझ में आ गया सर। अब जैसे कि यहां पे मैं ब्लैंक सेल में गलती से क्लिक कर दूंगा तो मुझसे पूछेगा प्लीज फिल एवरी फिल, और आगे का मैं सर को नहीं होने देगा, समझ गए? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये तो हमारी एक छोटी सी क्लियर। फॉर्म थी, लेकिन इसका सही तरीका सही अंदाजा तब मिलेगा जब एक बड़ा सा फॉर्म, एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म बनाए और फिर उसको करने की कोशिश करें। तो जैसे कि आपके ऑफिस में होगा फॉर्म, जैसे कि आप बहुत सारे फॉर्म देखते होंगे, आपने लाइफ में बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, कोई एक फॉर्म को उठा लीजिए, आप लीव एप्लीकेशन फॉर्म ही ले लीजिए, अब तो बराबर भरते होंगे ना लीव एप्लीकेशन फॉर्म। अभी भी इसका उठा लेते हैं। किसी का उठा लीजिए और एक फॉर्म बनाइए एक्सेल पे, और फिर उस फॉर्म की डेटा सिक्वेंसली डेटा की तरह स्टोर कीजिए दूसरे डेटा पे, और उसमें भी मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाया है, आप ऐसे कई सारे कंडीशन लगाइए, ठीक है, और लगा के मुझे मेल कीजिए। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा और डीपली बताऊंगा कि आप अलग फाइल में या और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस कैसे लगाते, ठीक है सरप्राज जी? ओके 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 सर। फाइल में सर ये आप फाइल भेज दो ना। अभी भेज देता हूँ, तो फॉर्म के नाम ठीक है से सर। अभी भेज देता हूँ, बस थोड़ा देर मिल जाएगा आपको। सर वो एक्सेस दे दीजिएगा 12 फोल्डर का। अभी मैं वो भी कर देता हूँ।
एक बार चेक कर लीजिएगा कि फाइलें हैं या मुझे नहीं दिख रही थी 26 के बाद फाइल। देख लेता हूँ, चेक कर लूंगा, चिंता मत कीजिए।